भदौरिया ने जिस तरीके का हेट स्पीच पार्लियामेंट में यूज़ करा है उसके अगेंस्ट हम लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको निकाला जाए पार्लियामेंट से, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। अपोजिशन की पार्टी अगर टमाटर के बढ़ते प्राइस या फिर मणिपुर वायलेंस पर अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं तो उनको पे तो एक्शन लिया जाता है, उनको तो निकाल दिया जाता है, बात नहीं करने दिया जाता है। क्या अगर दूसरी पार्टी का नेता इसी तरीके के शब्द इस्तेमाल किया होता बीजेपी के नेता के खिलाफ तो क्या अभी तक यही नोटिस जारी हुआ होता, यही कार्रवाई हो रही होती है? बीजेपी उसका पॉलिटिक्स ही यही है, उसका पॉलिटिक्स ही कम्युनल वायलेंस है, गुंडागर्दी है, उसका पॉलिटिक्स ही रिलीजियस पोलराइजेशन है पूरे देश का, तो इसीलिए वो लोग तो वेलकम ही करेंगे ऐसे लोगों को। नई संसद भवन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने गाली गलौज की, बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को उन्होंने धार्मिक और गंदी गंदी गालियां दी, उसके बाद से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और पूरे देश भर में जो है आक्रोश है। जनता से लेकर विपक्ष तक जो है इस मुद्दे को उठा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स ने जो आयशा एक स्टूडेंट्स संगठन है उसकी तरफ से जो है रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। शाम्भवी, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग यहाँ पे इसीलिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए भी हैं कि रमेश भदौरिया ने जिस तरीके का हेट स्पीच पार्लियामेंट में यूज़ करा है उसके अगेंस्ट हम लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको निकाला जाए पार्लियामेंट से, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहना डिजर्व नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करने आए हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने नोटिस जारी कर दिया है 15 दिन का। हाँ, वो एक वार्निंग लेटर से, वार्निंग लेटर इज़ नॉट इनफ इस चीज़ के लिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते तो आप नॉर्मलाइज ही कर रहे हैं बस। अगर 15 दिन का कोई भी नोटिस दे दिया जाए कि 15 दिन आप पार्लियामेंट में नहीं आ सकते हैं तो 15 दिन बाद क्या गारंटी कि वो ये सेम चीज़ नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि आगे जाके ये सेम चीज़ नहीं करेंगे अगर उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता? क्योंकि अपोजिशन की पार्टी अगर टमाटर के बढ़ते प्राइस या फिर मणिपुर वायलेंस पे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं तो उनको पे तो एक्शन लिया जाता है, उनको तो निकाल दिया जाता है, बात नहीं करने दिया जाता है। लेकिन इन पे अगर इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर वही है कि आप आम मतलब देश भर में इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बीजेपी एक्शन नहीं लेगी क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि अनुराग ठाकुर ने किस तरह की बयानबाजी की और उनका प्रमोशन हुआ, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। हाँ, हो ही सकता है बिल्कुल, जिस तरीके से ब्रिजभूषण को बचाने के लिए पूरी पार्टी लग गई थी, हो ही सकता है इसको बचाने के लिए भी लग जाए। लेकिन वही है कि हम लोग अपनी तरफ से एक प्रेशर बिल्ड करने का ही कोशिश करेंगे कि हर, और इसलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस चीज़ को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस समझें और प्रेशर बिल्ड हो उन पे कि उन पे एक्शन लिया जाए। गली नुक्कड़ों पर ये इस तरह की गाली गलौच वाली भाषा आज नई पार्लियामेंट में हो रही है, क्या इसका देश पर प्रभाव पड़ेगा? गली मतलब आम मुसलमान तो गली में चलते हुए इस चीज़ को सुनता है और वो आज अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए एक MP को इस ऐसे शब्द यूज़ करते हुए सुनेगा तो वही है कि वो देश में उसकी कोई जगह नहीं है, ये दर्शाता है कि पार्लियामेंट में भी आपको रिप्रेजेंट करने वाला आज के समय पे कोई नहीं है और लॉफुली भी आपको कोई जस्टिस नहीं दे सकता है, आपको जस्टिस नहीं मिल सकता है, ये दर्शाता है। फिर तो आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ, हम चाहते हैं उसको दरखास्त कर दिया जाए पार्लियामेंट से, उसको निकाल दिया जाए पार्लियामेंट से, क्योंकि ऐसे लोग वो रिजाइन तो खुद करेगा नहीं, उसको निकालना ही एक एक्शन है। लेकिन जो दानिश अली हैं जिनको ये गाली दी जा रही थी वो काफ़ी परेशान है और वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने पर विचार करूंगा अगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो। हाँ, क्योंकि उसका करना चाहिए क्या उनको? उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इतना बेबस कर दिया जाएगा, अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा रमेश भदौरिया पे, तो फिर बेबस हुआ ना, वो मजबूरी में रिजाइन करेंगे, क्योंकि फिर उनका रहना पार्लियामेंट में इस एक तरीके से डराना भी ना बाकी मुसलमान मेंबर्स को पार्लियामेंट के, कि एक पर्सन जिसने आपके अगेंस्ट इतना इस तरीके के शब्द यूज़ करे, एक हेट वायलेंस, एक हेट प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करा, इस तरीके का स्पीच यूज़ करा, वो पार्लियामेंट में उसकी जगह है और उसकी जगह, उसका एग्जिस्टेंस इज़ अ थ्रेट टू अदर मुस्लिम मेंबर्स पार्लियामेंट के, तो उन लोगों को वो बेबस, वो मजबूरी में सोचेंगे अगर सोचेंगे तो, बाई चॉइस या फिर कोई सल्यूशन नहीं है ये।
पूरा विपक्ष और आप लोग भी, जनता भी विरोध कर रही है, लेकिन मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पर। हाँ, और क्योंकि उस बीजेपी, मोदी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है बीजेपी, उसका पॉलिटिक्स ही यही है, उसका पॉलिटिक्स ही कम्युनल वायलेंस है, गुंडागर्दी है, उसका पॉलिटिक्स ही रिलीजियस पोलराइजेशन है पूरे देश का। तो इसीलिए वो लोग तो वेलकम ही करेंगे ऐसे लोगों को पार्टी में। नए संसद भवन में जब भाषण दे रहे थे मोदी जी, तो कह रहे थे कि सब सभी लोगों को इसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्हीं के सांसद गरिमा तार तार कर रहे हैं नई पार्लियामेंट की, लेकिन मोदी जी नहीं बोल रहे हैं इस पर। हाँ, उन्होंने, मोदी जी ने यही कहा था कि ये नया पार्लियामेंट है और एक नए मतलब यहाँ पे एक नया देश को रिप्रेजेंट करता है ये, इस तरीके के शब्द, इस तरीके के बड़े बड़े शब्द का यूज़ करा था। लेकिन आज हम जब हम लोग देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि देश कहाँ बढ़ रहा है। अगर ऐसा पार्लियामेंट है और ये अगर नया देश, नया न्यू इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो वो न्यू इंडिया कैसा है? वो न्यू इंडिया में मुसलमान और बाकी तमाम माइनॉरिटी रिलीजन्स की जगह नहीं है वहाँ पे, फिर हिंदुओं की जगह और हिंदुओं की पॉलिटिक्स होती है, जो हिंदू राष्ट्र की बात के लोग करते हैं। अमृतकाल की बात कही जाती है। हाँ, अगर अमृतकाल यही है, तो फिर हम जान रहे हैं कि इनका अमृतकाल इज हिंदू राष्ट्र जिसके लोग बात करते हैं। क्या अगर दूसरी पार्टी का नेता इसी तरीके के शब्द इस्तेमाल किया होता बीजेपी के नेता के खिलाफ, तो क्या अभी तक यही नोटिस जारी हुआ होता, यही कार्रवाई हो रही होती? नहीं हो रही होती ना। क्या इसका मतलब? क्या मुसलमानों के खिलाफ, एक सर्टेन कम्युनिटी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? आप बिल्किस बानो का रेप करेंगे, आपको माला पहनाई जाएगी। आप अगर मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग करेंगे, उनका घर तोड़ेंगे, आपको माला पहनाई जाएगी, आपका अप्रिसिएशन होगा। ये जो दोगला व्यवहार है, कॉन्स्टिट्यूशन को दोगले रूप से लागू करना, इस सरकार का एक कैरेक्टरिस्टिक है। सरकार दोगले व्यवहार से दोयम दर्जे के नागरिक बनाती है मुसलमानों को, और उनको भी जो उनके लिए खड़े होते हैं और जो संविधान के लिए खड़े होते हैं, और इवन वो भी जो गरीब मजदूर और किसान के लिए खड़े होते हैं उनको भी। आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि ये साफ सीधी बात है, संसद के बीचों बीच बोला गया है इस चीज़ को, कि आप इस तरीके की भाषा का जो प्रयोग हुआ है, ये हेट स्पीच से कम कुछ नहीं है। और अगर हेट स्पीच है, तो उसको अरेस्ट कर, इस पर्सन को, रमेश भिदूरी को अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट किया जाए, ये हम लोग की डिमांड है। लेकिन मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसे लोगों का प्रमोशन होता है बीजेपी में, ऐसा भी देखा गया। मोदी जी को जहाँ पर इमेज का खतरा रहता है, वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वहाँ पर वो उनका 56 इंच का सीना भीगी बिल्ली वाला सीना बन जाता है। वहाँ पर उनको जो खुद बोला करते थे हम लोग के मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर को, जो पहले थे, कि मौन रहते हैं, वो खुद उनको मनमोहन सिंह वाला रोग आ जाता है। तो मोदी जी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट क्या हम लोग मूवमेंट इतना बड़ा कर पाएंगे, क्या हम लोग उनको फोर्स कर पाएंगे कि कुछ ना कुछ बोलें कम से कम? अभी तक तो बोलते हुए कुछ नहीं आए हैं। किसान आंदोलन में भले से कुछ उन्होंने बोला था, क्योंकि उनको ये था कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनको डर लग रहा था इलेक्शन हार ना जाए, इस वजह से उनको बोलना पड़ा। क्या इनको इस बात का डर है कि अगर इस देश की जनता जिस तरीके से आप लगातार दबा रहे हैं सारे सेक्शंस को, अगर आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो आप इलेक्शन तो हारेंगे ही हारेंगे, आपका बाद में हश्र क्या होगा आपको भी नहीं मालूम होगा। चलिए।